अब खबर धमतरी जिले से है, जहां पिछले 6 दिनों से हो रही बारिश के कारण पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। आपको बता दें कि बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं और जिले के कई स्कूलों में बारिश का पानी घुस गया है, जिसके कारण शिक्षा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई है। कलर तबाई प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल में बारिश का पानी घुसने से अभिभावक काफी नाराज हैं। आपको बता दें कि स्कूल के कमरों में पानी घुसने के कारण स्कूल में ताला लगा दिया गया है। इस स्कूल में करीब 150 बच्चे पढ़ते हैं। सूचना मिलने पर शिक्षा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। अभिभावकों का कहना है कि पिछले कई सालों से स्कूल में बारिश का पानी घुस जाता है, जिसके कारण पढ़ाई काफी प्रभावित होती है। ऐसे में अभिभावकों ने प्रशासन से बारिश के पानी से निपटने के लिए विशेष इंतजाम करने की भी मांग की है। हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि जिन स्कूलों में पानी घुस गया है उन्हें बंद करने को कहा गया है। धमतरी से वैभव चौधरी की रिपोर्ट। ताला बंद वाला बात नहीं है, क्योंकि लगातार 3 दिन से बारिश हुई है, जो एक राहत का भी संकेत है, बट उसके साथ कुछ जगहों पे पानी भी भरा है। तो जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही ये निर्देश दिए गए कि अगर आवश्यकता है, जहाँ पे पानी भर गया है, वहाँ स्कूल बंद कर ली जाए, ताकि बच्चों को परेशानी